नसरुल्लागंज बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसानों की खराब हुई सोयाबीन की फसलों को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में युवा कांग्रेस के द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के समक्ष किसानों की समस्याएं रखी। वही युवक कांग्रेस ने कहा, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस सरकार से किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने की मांग उठाती थी कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि वह किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दें, हमारे क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुधनी नसरुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। आज जो तहसील कार्यालय का घेराव किया गया, किस लिए किया गया? आज किसानों की मांग को लेकर जो किसान परेशान है, उनकी 100% फसल नष्ट हो गई है और सरकार सिर्फ लालीपाप दे रही है कि बीमा मिलेगा। हम जानते हैं शिवराज सिंह की तासीर को, जब विपक्ष में थे शिवराज सिंह चौहान, तब उन्होंने कहा था 40,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज युवक कांग्रेस के तत्वाधान में उप कार्यक्रम में हमने मांग की है कि किसानों को 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ये बीमे का लालीपाप हमें नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, जो खाद की कालाबाजारी हो रही है उसको भी रोकने के लिए हम सरकार से कह रहे हैं, चाहे डिफाल्टर किसानों को जो भी पैसा दे नगद, उनको खाद उपलब्ध कराया जाए।